नमस्कार दोस्तों, चटपटा स्वाद में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी रहने वाली है स्पाइसी वेज नूडल्स की। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का हम वेज नूडल्स बनाने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं लगी तो डिसलाइक बटन। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन में पानी लेते हैं 1.5 लीटर। मैंने लियोन कंपनी का नूडल्स लिया है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का होता है। 2 स्क्यूब लेना है। पानी कुनकुना हो चुका है, इसमें अभी नूडल्स डाल देना है। और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे हिलाकर खुला खुला कर देना है। नूडल्स काफ़ी रेडी हो चुका है। इसे अब हम छाननी की मदद से इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसे अभी पानी की ज़रूरत लगेगी ठंडा करने के लिए। ठंडा नहीं करेंगे तो ये पूरा जम सा जाएगा। अभी पानी पूरी तरह से निकल चुका है, खुला खुला भी काफी हो गया। अभी इसमें थोड़ा ऑयल लगाकर इसे और खुला कर देंगे, यानी ऑयल लगाने के बाद में ये चिपकेगा नहीं। कढ़ाई में लेंगे ऑयल, चॉपिंग हरी मिर्ची, चॉपिंग गार्लिक यानी लहसुन, चॉपिंग प्याज और शिमला मिर्ची, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके अच्छी से फ्राई करके उसमें ऐड करना है पत्ता गोभी, कैबेज और थोड़ा सा नमक। नमक इसलिए दोस्तों ताकि हमारा ये पत्ता गोभी का कैबेज अच्छी से गल चुके। अच्छी से फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करना होगा अभी हमारा बॉईल किया हुआ नूडल्स। नूडल्स ऐड करने के बाद में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसी के साथ में हमें ग्रीन चिल्ली की आवश्यकता होगी, ग्रीन चिल्ली भी ऐड करना है और थोड़ा सा सोया सॉस और ऊपर से धनिया पत्ती ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे प्लेट में निकाल देना है। हमारा रेडी हो चुका है ये वेज नूडल्स स्पाइसी।